नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं रीवा जिले के टमस नदी में बीते दिनों हुए हादसे में दो लोग डूब गए थे जिनकी मौत हो गई और उसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है टमस नदी में डूबे किशोर का शव 36 घंटे बाद मिला है जबकि उसके चाचा के शव की तलाश अभी भी एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम स्टीमर की मदद से कर रही है होमगार्ड के गोताखोरों ने आज सुबह सात बजे जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की पहला शव मिला है घटनास्थल से सौ मीटर दूर पेड़ में फंसी एक बॉडी देखी गई वहां पर नाव की मदद से मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त की और पाया गया कि ये वही युवक है जो बीते दिनों डूब गया था परिजनों को शव सौंप दिया गया है सुहागी थाना प्रभारी उप पवन शुक्ला ने बताया कि मंगलवार की शाम करीब सात बजे के आसपास अंकित मांझी नामक युवक मछली पकड़ने गया था तभी डूबने से उसकी मौत हो गई शव उसका बरामद कर लिया गया है वहीं दूसरा जो शव है उसके चाचा का उसको स्टीमर के दौरान स्टीमर की मदद से सर्च सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी एसडीआरएफ की टीम का जारी है इस घटना के बाद घटना स्थल पर कलेक्टर इलैया राजा और एसपी राकेश कुमार सिंह भी पहुंचे थे सर्चिंग के निर्देश दिए और एक शव फिलहाल बरामद कर लिया गया है दूसरी की सर्च अभी भी जारी है बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर दूसरी खबर भी हमारे रीवा जिले से यहाँ एक भीषण सड़क हादसा हुआ एक बाइक सवार को ट्रक ने पीछे से रौंद दिया हादसे में युवक का सर धर से अलग हो गया है बहुत दर्दनाक सड़क हादसा घटना के समय बाइक सवार मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था जानकारी मिली है और अभी तक फिलहाल मृतक की शिनाख्त तो नहीं हो पाई है हादसा जिले के नेशनल हाईवे स्थित रायपुर करचुलियान थाने के कोष्टा मोड़ पर हुआ है रायपुर करचुलियान थाना प्रभारी मिगेंद्र सिंह ने बताया है कि गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे यह हादसा हुआ बाइक सवार मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था उसी दौरान ट्रक पीछे से आया जो उसके ऊपर से निकल गया और इस हादसे में बहुत ही बुरी तरीके से युवक का जो सर है वो धड़ से अलग हो गया है फिलहाल पूरी मामले की जाँच पुलिस कर रही है